पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। आतिफ भाई हमारे बड़े भाई हैं। आतिफ भाई ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, उनके वजह से और विशाल भाई के वजह से 14-15 दिनों से मैं यहां पर हूं। आजर भाई इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, हम एक कम्युनिटी के लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जी एक दूसरे को मदद करना ये हमारा फर्ज है। जी सारनखेड़ा चेतक फेस्टिवल 2022 चल रहा है और ये चल रही है किसानों की रेवाल, और ये जो आप देख रहे हैं ये है किसान और ये इनके साथ में है इनके पशु, और इन्होंने ले लिया है दंगल के अंदर अपना एक हाथ। दंगल में इन्होंने अपना शुरुआत की है, इस दंगल में इन्होंने भी हिस्सा लिया है। तो ये यहाँ पर इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं हजारों की तादाद में जो इस रेवाल चाल का मजा ले रहे हैं, और ये एक सेकंड राउंड चल रहा है, ये फर्स्ट राउंड और सेकंड टर्न है ये। तो ये ऐसी इस तरीके से रेस चलती है यहाँ पर। और ये चल रही है रोशनी। रोशनी अभी स्कूल में है और घोड़े बाज है, और इस पूरे इवेंट को हमारे भाई, हमारे बड़े भाई शूट कर रहे हैं। नाम तो इतना इनका मशहूर है कि हम इनका नाम क्या ही ले ले। भाई कैसे हैं आप? बस बढ़िया है सर भाई, आप बोलिए। जी विशाल भाई की मेहरबानी थी जो 16-17 दिन से मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ। इधर आ जाइए। तो ये यहाँ से चल रहा है ऐसा रेस। विशाल भाई क्या कहेंगे आप इस रेस को लेकर? बिल्कुल बहुत बढ़िया हुआ, और इस बार का जो रेस है हाँ। वो दो पार्ट में हिस्सा किया, जैसे किसानों और व्यापारी के घोड़े और जो रेवाल स्पेशल घोड़े आए बाहर से उनकी रेस होंगी। तो पहले यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों के लिए भी काफी अच्छा चांस हुआ। ज्यादातर ये जो इनामे रहते थे यार, घोड़े जो चैंपियन होते थे यूपी से जाते थे, तो इस बार ये दोनों का एक समन्वय रखा है दादा ने। और ये मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा कि किसानों के घोड़े भी प्रमोट होंगे और चालबाज घोड़े भी प्रमोट होंगे। चालबाज का नाम ले ही लिया है तो मैं आपकी राय जानना चाहूंगा। आतिफ भाई हमारे आगे है। आतिफ भाई कैसे हैं आप? बढ़िया बढ़िया भाई सर। जी आतिफ भाई हमारे बड़े भाई हैं। आतिफ भाई ने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है, उनके वजह से और विशाल भाई के वजह से 14-15 दिनों से मैं यहाँ पर हूँ। आजर भाई इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, हम एक कम्युनिटी के लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जी एक दूसरे को मदद करना ये हमारा फर्ज है जी, और ये हम कर रहे हैं। आजर भाई परिवार है, परिवार है। आजर भाई से मिलने के बाद मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला, लेकिन आपका ज्यादा उनके साथ में 10-12 दिन बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो चुकी है, बढ़िया रहेगी जी। आगे भी चलकर हम आजर भाई हम एक दूसरे को हमेशा मदद करेंगे, एक दूसरे के मेले के बारे में जानकारी देते रहेंगे। आतिफ भाई मैं चाहूंगा एक बार आप आपके अंदाज में हमारे व्यूवर्स को आपके अंदाज में एक बार वो बात बोल के दिखाइए जो हर बार आप बोलते हैं। हेलो दोस्तों, अजर ट्रैवलर पर आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफ अनवर। तो ये यहाँ पर ऐसी हंसी और मजाक चल रही है और ये एक ऐसा माहौल बन गया है यहाँ पर। तो आप देख ही रहे होंगे क्या कितने सारे लोगों ने इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। वीडियो में आप बने रहिए। और ये जिनको आप देख रहे हैं ये हमारे आखिरी कंटेस्टेंट हैं जो सबसे लेट पहुंचे हैं, फिर भी हम इनको बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं क्या इन्होंने हिस्सा लिया इस दंगल में, किसानों की दंगल में। ना वो दे दो तुम ही रेस जिंक ले लिया है। कितनी मिनट मैंने ही रेस पूर्ण के लिए तुम्हें 15-16 मिनट मध्य ही रेस तुम्ही जिंक ले लिया है। कुठून आले तुम्ही आणि तुमचं नाव काय? माझं नाव जितेंद्र सदाशिव पाटील। अच्छा, राहणार मोंडाळे, जिल्हा जलगाव आणि पारोळ्याचे आहेत तुम्ही? गाव मोंडाळे पिंपरी। कैसा लग रहा है आपको, आप जीते है? अपने लोगों के जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे, जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई हो, और हमारे दर्शकों की तरफ से भी आपको बहुत बहुत बधाई हो, और आपको हम इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन सर। बहुत मेहनत की। जी 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 अगले साल भी यही जीते थे, लास्ट ईयर भी यही जीते थे। जी 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 जी। बाबूलाल, इनका नाम क्या है? बाबूलाल। घोड़े का नाम है बाबूलाल। घोड़े का नाम है बाबूलाल। जीतू अन्ना जी का बाबूलाल जीता है
पहला नंबर आया है जी ऐसा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस दंगल में हिस्सा लिया और आप विनर हैं, तो हम आपको दिल से कॉन्ग्रेचुलेशन फिर से एक बार बोलेंगे। जी 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 जी।